रविवार को गोरखनाथ मंदिर के सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सपना बन चुके 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी 8,603 करोड़ रुपए के खाद कारखाना, 1,011 करोड़ से निर्मित एम्स और 36 करोड़ की लागत वाले RMRC के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन सपनों को साकार करने आ रहे हैं जिन्हें पिछली सरकारों की नाकामियों ने नाकारा सा बना दिया था, तथा प्रधानमंत्री के हाथों 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए जो नामुमकिन था उसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुमकिन कर दिखाया है। अब खाद कारखाना दोबारा चलेगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में गोरखपुर में नए खाद कारखाने का शिलान्यास किया था और समय सीमा में यह बनकर तैयार है, तथा प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के खाद कारखाने 7 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ व बीमारी कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी तथा इंसेफ्लाइटिस के चलते मासूम दम तोड़ देते थे, तथा सरकारों की संवेदना इन गरीबों व असहायों के प्रति नहीं थी, और 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चे इंसेफ्लाइटिस के चलते असमय काल में समा गए, जिसको देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में एक एम्स भी दिया और यह एम्स अब बनकर तैयार है। अब यहां लोगों को विश्व स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, तथा 7 दिसंबर को पीएम मोदी एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि 1977 में BRD मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के वायरस को पहचाना गया था, तथा बीमारी ना जाने कब से रह रही होगी, तथा वायरस की पहचान भी यहाँ नहीं बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी IV पुणे में की गई थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक यहाँ पर इंसेफ्लाइटिस, डेंगू जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज की पहचान की पुख्ता व्यवस्था नहीं थी, तथा सैंपल पुणे भेजे जाते थे, लेकिन अब इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के BRD मेडिकल कॉलेज स्थित रीजनल सेंटर RMRC रीजनल मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च में हाईटेक लैब्स की व्यवस्था कर दी गई है। अब इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया, डेंगू और कोरोना तक के वायरस की जांच और उपचार के लिए इस पर अग्रिम अनुसंधान अब यही होने लगेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विशेष PC में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कभी सपना बन चुके 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, बल्कि उस सपने को साकार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ की जनता देख रही है, जिसे पिछली सरकारों ने अपनी नाकामयाबियों के कारण नकार सा दिया था। गोरखपुर में 1990 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का
एक खाद कारखाना था जो बंद हो गया था। अनेक सरकारें आई, आश्वासन पर आश्वासन दिए गए, लेकिन 26 वर्षों तक उन लोगों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए कि अब यहां पर नए कारखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण न केवल अन्नदाता किसान प्रभावित हुआ था, बल्कि सामान्य नागरिकों के जीवन पर असर पड़ा। गोरखपुर के विकास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर विपरीत असर पड़ा। रोजगार और नौकरी की संभावनाओं पर विराम लगा। अब यह सपना साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है, यह राष्ट्र को समर्पित होगा। ₹12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन यहां से होगा। इसी प्रकार से यह खाद कारखाना केवल यहां पर किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन उपलब्ध कराने में, बल्कि ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। दूसरा, कभी बाढ़ और बीमारी के लिए जाना जाने वाला ये पूर्वी उत्तर प्रदेश मासूम बच्चे यहां असमय दम तोड़ते थे, सरकारों की संवेदना कभी उन गरीबों के प्रति, अभावग्रस्त उन लोगों के प्रति नहीं देखने को मिली थी। इंसेफ्लाइटिस की ही हम बात करें, 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चे यहां पर असमय कालकल्पित हुए, कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं हो पाई। और 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया और वह गोरखपुर में स्थापित किया। एम्स भी बनकर के तैयार है। विश्व स्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र, देश और दुनिया में स्वास्थ्य सुविधा की अपनी जिसकी ब्रांड है, उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। एक तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र आपने देखा होगा, यहां पर 77 में पहली बार यहां इंसेफ्लाइटिस के मरीज चिन्हित हुए थे। बीमारी कब से है कोई पता नहीं, लेकिन 77 में, और वह भी गोरखपुर की किसी लैब से नहीं हुआ। यह
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की लैब में ये वायरस चिन्हित हुए थे। एक लंबे समय तक मस्तिष्क ज्वर हो, डेंगू हो या किसी भी अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए वेक्टर की पहचान करना, फिर इसके अनुरूप यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इस पर उस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए जब सैंपल लिए जाते थे तो लंबे समय तक वे सैंपल जांच के लिए NIV पुणे या देश के अन्य भागों में भेजे जाते थे। अब एक ICMR का एक रीजनल सेंटर NIV पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है, जिसमें न केवल इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया बल्कि कोरोना जैसी महामारी से जुड़े वायरस की पहचान करने और फिर उसके उपचार के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाने, दवा के निर्माण करने, इन सब की दिशा से भी अब एक नया सेंटर गोरखपुर में बन करके तैयार हो चुका है। यह सेंटर BRD मेडिकल कॉलेज में बन करके तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होगा। इस सेंटर का शिलान्यास 2018 में उस समय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार के साथ मैंने यहां पर किया था। आज ये बनकर के तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से इस सेंटर का भी यहां पर उद्घाटन होने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, ये सभी चीजें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, और जब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर या वाराणसी की बात करते हैं तो बिहार की एक बड़ी आबादी इसके साथ जुड़ती है और नेपाल से जुड़ी हुई भी एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होती है। तो एक बड़ी आबादी की सुविधा, उनके रोजगार और वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से इस विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा, उपचार, जांच आदि की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण सेंटर गोरखपुर में बनकर के तैयार है। और 7 दिसंबर को एक भव्य आयोजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूर्वी उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के इस पूरे कार्यक्रम को पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी। इस दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए उतावला है। हम लोग, पूरी राज्य सरकार भी और हर नागरिक कि जो विपक्ष के लिए नामुमकिन था, मोदी जी ने उसके मुमकिन बनाया है। जो विपक्ष के लिए असंभव था उसे मोदी जी ने संभव बनाया है। जो विपक्ष के लिए वोट बैंक था, मोदी जी ने व्यापक जनहित में किसानों का, गरीबों का, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए ये बेहतरीन सुविधा के लिए ये बड़े संस्थान यहां पर इस क्षेत्र के उन्नयन के लिए, यहां की समृद्धि के लिए, यहां की खुशहाली के लिए उपलब्ध कराए हैं। और इस दिशा से 7 दिसंबर की तिथि पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिशा से
उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण तिथि होगी और इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार यहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ, शुद्धिजनों के साथ, भारतीय जनता पार्टी, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों के साथ और जो यहाँ से जुड़ी हुई इन समस्याओं के प्रति चिंतित थे, उन सभी संगठनों को अपने साथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के भव्य स्वागत की तैयारी के लिए हम सब पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के कार्य करेंगे। मुझे यही सूचना आपको देनी थी। फर्टिलाइजर का जो कारखाना है वह लगभग 600 एकड़ क्षेत्रफल में बना है। एम्स 112 एकड़ क्षेत्रफल में यहाँ पर बना है। फर्टिलाइजर के निर्माण में जो यहाँ पर पैसा कुल खर्च हुआ है वह 6600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि इस पूरे प्लांट पर खर्च हुई है। इसी प्रकार से फर्टिलाइजर के उस पे लगभग 1011 करोड़ रुपए एम्स के निर्माण में खर्च हुए हैं और जो हम लोग यहाँ पर ICMR का एक सेंटर यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं इस पर भी लगभग 36 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो यहाँ पे नई लैब्स बनी है, इंटरनेशनल मानक के अनुरूप लैब्स बनी है, इन पर इतना पैसा खर्च हो चुका है। पूरे सेंटर सभी संस्थान बनकर के तैयार हुए हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पूरे सकारात्मक अभियान और सकारात्मक सोच का हर व्यक्ति अभिनंदन कर रहा है और 7 दिसंबर को उनके स्वागत के लिए पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करेगा। धन्यवाद जी।